नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिमारो बॉलीवुड और सिमारो क्लासिक इन दोनों चैनल के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर में ये दोनों चैनल एनुअल ऑक्शन जो कि एमपीजी टू बॉक्स के लिए किया गया प्रसार भारती की तरफ से, उसमें ये दोनों चैनल पार्टिसिपेट किए थे या नहीं किए थे, आखिर में किस वजह से ये दोनों चैनल स्लॉट नहीं जीत पाए, वजह सामने आ गई है। इसके साथ ही आखिर में अब ये दोनों चैनल डेढ़े फिडिस पर कब लॉन्च किए जाएंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोगों को डेढ़े फिडिस की अपडेट सबसे पहले हमारी वीडियो के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एनुअल ऑक्शन जो कि एमपीजी टू बॉक्स के लिए प्रसार भारती की तरफ से किया गया था, उसमें काफ़ी चर्चाएं थी सिमारो बॉलीवुड और सिमारो क्लासिक चैनल की कि ये दोनों चैनल पार्टिसिपेट करेंगे और स्लॉट जीतकर डीडी फ्रेस पर लॉन्च किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, प्रसार भारती की तरफ से ऑफिशियल रिजल्ट का अनाउंसमेंट कर दिया गया और उसमें सिमारो बॉलीवुड और सिमारो क्लासिक इन दोनों चैनल का नाम नहीं है, जिसकी वजह से डीडी फ्रेस के दर्शकों के कमेंट आने शुरू हो गए कि आखिर में ये दोनों चैनल स्लॉट क्यों नहीं जीते, और ये दोनों चैनल जब स्लॉट नहीं जीते हैं तो क्या डीडी फ्रेस पर 1 अप्रैल 2024 को लॉन्च किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, सिमारो बॉलीवुड और सिमारो क्लासिक इन दोनों चैनल की डीडी फ्रेस पर आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी, क्योंकि सिमारो नेटवर्क के जो भी चैनल लॉन्च किए जाते हैं तो सबसे पहले डीडी फ्रेस पर ही लॉन्च किए जाते हैं। अगर हम बात करें सिमारो टीवी की तो सिमारो टीवी भी डीडी फ्रेस पर ही लॉन्च किया गया था, सिमारो उमंग भी डीडी फ्रेस पर ही लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही तीसरा चैनल है चुंबक टीवी, वो भी डीडी फ्रेस पर ही पिछले साल लॉन्च किया गया, और जो चौथा चैनल है सिमारो मराठीवाड़ा, वो भी दोस्तों डीडी फ्रेस पर ही लॉन्च किया गया था। और इसी वजह से सिमारो बॉलीवुड और सिमारो क्लासिक चैनल की भी पूरी संभावना थी कि ये दोनों चैनल भी डीडी फ्रेस पर ही लॉन्च किए जाएंगे। अब दोस्तों, वजह की बात करते हैं कि आखिर किस वजह से सिमारो बॉलीवुड और सिमारो क्लासिक चैनल एनुअल ऑक्शन में स्लॉट नहीं जीत पाए और डीडी फ्रेस पर अभी लॉन्च नहीं होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि एनुअल ऑक्शन का एक नियम है कि एनुअल ऑक्शन में वही चैनल पार्टिसिपेट कर सकता है जिसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से लाइसेंस मिला हो, वही चैनल ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और दोस्तों, सिमारो नेटवर्क की तरफ से सबसे बड़ी समस्या यही हुई कि इन दोनों चैनल को एमआईपी की तरफ से लाइसेंस नहीं मिल पाया। दोस्तों, इन दोनों चैनल को जब एमआईपी की तरफ से लाइसेंस नहीं मिला और इसी वजह से सिमारो नेटवर्क इन दोनों चैनल को एनुअल ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवा पाया, जिसकी वजह से ये दोनों चैनल स्लॉट नहीं जीत पाए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये दोनों चैनल आखिर डीडी फ्रेस पर कब तक लॉन्च किए जाएंगे। तो दोस्तों, इन दोनों चैनल को जैसे ही एमआईबी की तरफ से लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद जब भी ऑक्शन किया जाएगा प्रसार भारती की तरफ से, तो ये दोनों चैनल पार्टिसिपेट करके निश्चित तौर पर स्लॉट जीतेंगे और डीडी फ्रेस पर लॉन्च किए जाएंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट ऑक्शन तक का वेट करिए, नेक्स्ट ऑक्शन में आपको ये दोनों चैनल डीडी फ्रेस पर स्लॉट जीतते हुए दिखाई देंगे और डीडी फ्रेस पर लॉन्च किए जाएंगे। सो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।